टायर की क्या हालत हो गई थी? पे चलती चलती गाड़ी एकदम से टायर फट गया इसका, स्पीड में भी नहीं थी तो टायर बदल लेते हैं। टायर बदलना कितना टफ है वो बता रहे हैं। NH 8 पर हैं हम अभी, अजमेर से हैं हम, जयपुर की तरफ जा रहे थे, वहाँ पे गाड़ी पंचर हो गई, तो इस तरीके से हमें गाड़ी का टायर खोलने में लग रहे हैं। गाड़ी का टायर जहाँ तक है खुल चुका है, बहुत टफ काम है ये। और गाड़ी चलते चलते क्या है कि गर्म होकर उसका टायर फट गया, ज़्यादा स्पीड में नहीं थी बिल्कुल, मैंने धीरे से साइड में ले ली। स्टेपनी मैंने दूसरी गाड़ी में ये रखी थी, तो स्टेपनी मैंने गाड़ी में लगा ली है। और ये देखो टायर की क्या हालत हो गई थी, मतलब अचानक से ब्रेकर गया उसमें, गड्ढे में आया टायर और फटाक से फट गया। अब जो है गाड़ी की स्थिति ठीक है और बाकी स्टेपनी मैंने बदल ली है और अब हमारी ट्रिप दोबारा से स्टार्ट हो जाती है। जयपुर की मानसरोवर कॉलोनी में अभी हम हैं और यहाँ पर थोड़ा सा जो पानी दिख रहा है वो बरसात का पानी है। रात को यहाँ पर बरसात हुई थी, जिससे आप अंदाज लगा सकते हैं कि सर्दी के मौसम में थोड़ी सी बरसात कितनी ज़्यादा सर्दी दे जाती है। और सुबह का वक्त है, बताऊँ तो 8:02 हो रहे हैं, मॉर्निंग वॉक करने के लिए हम आए हैं। और द्रव्यवती यहाँ पर इतना बड़ा गार्डन है, लेंस का गार्डन जिसे कहते हैं, बहुत बड़ा गार्डन है जिसमें मॉर्निंग वॉक करने के लिए आए हैं। वो साइकिल हमारी देख सकते हैं वहाँ पर, और साइकिल से अपने आप को हम फिट रखने की कोशिश करते हैं। और जयपुर में अब हम आ गए हैं, तो जयपुर की सारी चीज़ें, अनएक्सप्लोर चीज़ें दिखाने की हम कोशिश करेंगे और कहीं ना कहीं आपको ऐसी चीज़ें दिखाएंगे जो आपने अभी तक नहीं देखी या फिर आपको देखनी चाहिए। और जयपुर में अब सर्दी का माहौल अचानक से बढ़ गया है, तो थोड़ा सा हमें कपड़े पहनने की और ज़्यादा ज़रूरत है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है गार्डन के अंदर, आप देखेंगे तो फेस मास्क ना लगाना गंदगी अपराध है। और गार्डन में रोज़ मॉर्निंग वॉक करने के लिए अब हम आएंगे और यहाँ के गार्डन की भी कुछ चीज़ें हैं जो हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। मानसरोवर जयपुर की वो कॉलोनी है जो मतलब सबसे बड़ी आवासीय कॉलोनी तो है ही, उसके अलावा इन दिनों सबसे ज़्यादा चर्चित भी है, क्योंकि यहाँ पर कोरोना के बहुत ज़्यादा केसेस इन दिनों मिल रहे हैं। ओमिक्रॉन की दस्तक है, सभी लोग डरे हुए हैं। मास्क मैंने भी लगा रखा था, अभी जस्ट वीडियो बनाने के लिए मास्क उतार दिया है।